इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर मिला है. सो इट्स फाइनली आई कैन से कि मैंने अचीव कर लिया जो मुझे पाना था. मैं एज अ मान्या सिंह मुंबई आई थी और इस शहर ने बहुत प्यार और बहुत इज्जत दी है मुझे. तो आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है. इसके आगे बहुत कुछ करना है. तो अवार्ड इज़ ऑलवेज लाइक आपके लिए एक फेदर होता है आपके कैप में कि आप ये फेदर लेके आगे जाओ और लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करती रहो. तो ऑनेस्टली मेरा कभी ये मोटो नहीं था कि मैं कुछ करूँगी और लोगों को इंस्पायर करूँगी. मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है और कभी मान्या को छिपने नहीं दिया. मान्या इज़ रेज्ड बाई अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे रेज किया है. वो स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, तो उनके ही क्वालिटीज़ मेरे में हैं और वही मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि मैं ऐसे ही आगे जाती रहूँ. गेम शो है वो बिग बॉस 16. आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट गेम. तो ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आएंगे तो लोग पसंद तो करेंगे नहीं. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी आगे तरीके चल रही है वो. बिग बॉस 16 में जितने भी अभी तक कंटेस्टेंट बचे हैं दे आर रियली नाइस और डिज़र्व करते हैं. विनर क्वालिटी सब में है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो एक्चुअली ट्रॉफी को डिज़र्व करता है वो ट्रॉफी घर लेके जाए. देखिए अभी उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डॉटर हैं. अल्टीमेटली उनका डिसीजन है कि उनको अपनी बेटी को अंदर रखना है या नहीं रखना है. भेजने का उनका डिसीजन था. अगर वो चाहते हैं उनकी बेटी वापस आ जाए तो वो उनका ही डिसीजन है. अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कमेंट्री दूंगी कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट टू कॉमेंट ऑन समवन्स पर्सनल लाइफ. एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो आई थिंक वो हर कोई किसी को कर रहा है आजकल. वो तो एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है. सो आई थिंक आई डोंट वॉन्ट से एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन क्योंकि ये उनकी डॉटर है, वो उनके फादर हैं. अगर उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं तो वो सही है तो सही है. आई थिंक उन्होंने उस चक्कर में किसी और की डॉक्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है. सो आई थिंक वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगर आपकी बेटी को चाहिए कि अगर आप इज्जत दे रहे हो तो आप दूसरों की बेटी को भी आप उतनी इज्जत दो. देखिए मैं उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिग बॉस को अभी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में. फॉर मी इट वाज जस्ट क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने वो चूज़ किया. मुझे ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में बिग बॉस करूँगी तो मुझे और बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा. बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप ये ट्रॉफी देख रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क. और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपको लाइफ में आप कितना भी ऊपर चले जाओ आपकी मेहनत आपके हाथ में होनी चाहिए. तो वो मैंने जैसे बोला गेम शो है, सब अंदर गेम खेलने गए. आप अगर कहोगे कि लोग वहाँ पे रियलिटी दिखाएं अपनी या ऑनेस्टी दिखाएं या किसी को धोखा ना दें तो वो मेरी तरह 3 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे. आई थिंक मेरे लिए जो प्रॉपरली गेम कर रहे हैं इट कैन बी शिव एज वेल, प्रियंका, साजिद सर, जो एक्चुअली गेम माइंडफुली गेम खेल रहे हैं. सो ये मेरे लिए पिक एंड पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गेम में. सो आई थिंक दिस कैन बी 3 फ्रॉम लाइक उन तीनों में से एक आ सकता है या अब्दू आ सकता है. यार पूरा देश प्यार करता है. लोग मुझे पहचान के बोलते हैं आप अब्दू को जानते हो ना. मैंने हाँ मतलब सब पहचानते हैं उसको. तो आफ्टर ऑल बिग बॉस इज ऑल अबाउट कि किसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है. तो अब्दू को बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है. थैंक यू सो मच. हाँ मैं आई थिंक 3-4 साल पहले इस अवार्ड फंक्शन के लिए आई थी एज अ प्रेजेंटर और तभी भी मैंने इन्हें अपनी बेस्ट विशेज दी थी. एंड मोर देन ऑर्गेनाइजिंग एन अवार्ड आई थिंक ऑर्गेनाइजिंग जेन्युइन एंड ऑनरिंग रियल टैलेंट इज आई थिंक ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. एंड आई वुड विश सर कि वो इसी विचारधारा के तहत अपना बेहतरीन काम करते रहें. आई एम ऑनर्ड कि मुझे अवार्ड मिल रहा है एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज एन एस्ट्रोलॉजर. और जब जब मुझे ये
किसी ने अवार्ड से नवाजा है। मुझे ऐसा लगा है कि अभी मंजिलें और भी हैं, मुझे करना बहुत कुछ है, लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। एंड सॉरी टू इंटरप्ट मामा, इट्स सच अ प्रेस्टिजियस नेम, दादा साहब फाल्के सर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, सो वी आर हाईली ऑनर्ड एंड एटर्नली ग्रेटफुल। मैम आपका शो था ससुराल गेंदा फूल जी, मैं अभी तक लोगों को दिल में बसा हुआ, कुछ याद है मेमोरी शेयर करें जो शो के मतलब अगर मैं भी बसा हुआ मैं मतलब कुछ किरदार होते हैं जो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो सुहाना एक ऐसा किरदार है जो रागिनी के ऊपर ज़्यादा हावी हो गया है, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत फ़ख्र की बात है कि लोग मुझे भूल गए लेकिन मेरा किरदार याद रखते हैं। तो जितनी जितनी बार आप मुझे सुहाना और ससुराल गेंदा फूल के बारे में पूछेंगे, मेरा और मेरे मेकर्स का कॉलर टाइट होता रहेगा। पार्ट टू के लिए रवि ओझा प्रोडक्शन हाउस और मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, मैं इंटरनल रीजंस ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगी, बट मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारी पूरी टीम वापस कुछ अच्छा लेकर आए, भले वो OTT का वेब सीरीज़ हो, कोई फिल्म हो या कोई दूसरा TV शो हो, क्योंकि टीम बहुत काबिल है और मैं चाहती हूँ कि हर बार आप ऑडियंस को कुछ नया पेश करें, तो आई थिंक दैट्स मोर इंटरेस्टिंग, हम एक नया बेंचमार्क क्रिएट करें एक नई फिल्म से या एक नए वेब सीरीज से या एक नए TV शो से। आपको मम्मी बहुत अच्छा गाना भी गा रही है जी, मैंने अपनी लाइन आप गुनगुना दी है, बोल दी मैम आप गुनगुना दी सब कुछ गा रही हूं मम्मा, गा दो क्या कहो चिड़िया ने। आप अभी मेरी म्यूजिक डायरेक्शन में रागिनी ने एक गाना गाया था तो मैं वो आपको गुनगुना देती हूं। चिड़िया ने जब आंखें खोली धूप ठंडी सी बोली, चेहरा किरणों सा लाल हुआ, नोचा जो गाल मौसम भी हाय गुलाल हुआ। हम दोनों आपने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं पता, आपने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया है, आप प्लीज जाके पहले इंफॉर्मेशन लेके आओ। आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड ऐसे इस तरीके से, और इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ, एंड यस मुझे यहाँ पे अवार्ड भी मिल रहा है। आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे काम को पहली बार ऐसे एक्नॉलेज किया जा रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बहुत खुश हूँ, साथ में थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट यस कहते हैं ना कि सब्र करो मेहनत करो आपको उसका फल एक दिन ज़रूर मिलेगा, तो आई थिंक आज वो दिन है। हाँ बाकी की बाइट्स हम अवार्ड लेने के बाद करें या पहले करें? ओके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन वही हो जाता है ना कि इनके लिए मैं आज आ गई, मेरा आना पॉसिबल था, इनका पॉसिबल नहीं था, वही कमिटमेंट होती है एक एक्टर की जिसकी वजह से आज ये यहाँ है। सो मिस बहुत ज़्यादा किया बट वेरी प्राउड। अभी हम आई थिंक अभी हम अवार्ड की बात करते हैं, बाकी हम बाकी बात में बात करेंगे, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं अभी। दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल, एंड देखो कि क्या फीलिंग है एक दूसरे को, ये हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग यू नो बाहर बैठे हैं, दे ऑल आर इनसाइड, तो एक इनसाइड एक उन लोग की अलग एक स्टोरी है एंड अलग एक चीज है, एक एटमॉस्फेयर है बिग बॉस के हाउस का, सो वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट ये है कि दे ऑल आर डूइंग गुड एंड मे द बेस्ट मैन बी। बिग बॉस में हमेशा ऐसा होता रहता है, पहली बार ऐसा हुआ तो होता सर, देखो आप तो बिग बॉस की बात करो, लाइफ में ऐसा होता रहता है, ऑब्वियसली होता है यार, देखो तो वही है जहाँ आपकी इन शॉर्ट जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको लोग एक्सेप्ट करते हो, आप जाओ, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। सर गाना तो आप बहुत बनाते हैं, क्या करण और तेजस्वी प्रकाश के लिए, करण और तेजा के लिए गाना कभी आप बनाएंगे? मतलब बहुत पावरफुल कपल है। एग्जैक्टली देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट कपल है इस वक्त ट्रेंडिंग में, एंड मे बी अगर मुझे डेफिनेटली चांस मिला सो डेफिनेटली आई विल डू दैट, एंड मैं उनके लिए गाऊंगा अगर मुझे मौका मिला। अभी तो काफ़ी करण के लिए आप गाना पसंद करेंगे, गाना पसंद करेंगे, मतलब उनके लिए आप बताइएगा। सर देखो आई एम अ सिंगर,
आई एम अ सिंगर एंड दैट्स माय वर्क एंड आई नो हाउ टू वर्क. सो अगर मुझे मौका मिलेगा उनके लिए गाने का, उनके लिए परफॉर्म करने का, सो डेफिनेटली आई लव इट, उनके लिए करूँगा एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. एंड कुछ जल्दी आप सबसे मुलाकात होने वाली है, एक लाइन हो जाए कोई भी प्रोजेक्ट्स ऐसे आने वाले हैं, सो होप टू सी यू गाइस. आपके सॉन्ग के एक लाइन, दिल गलती कर बैठा तो बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा कफारा बोल कफारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा, तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता, इस जुर्म की क्या है सजा. चिंगारी गैंग is ending and there are some new entries in the show. You guys will love it. Main actually shows dekhi nahi pati hu because 26 days I'm shooting all the time. But my mom watches aur wo bahut zyada enjoy karti hai Big Boss. Madam sir ka jo aapne role play kiya hai isme aapko kaisa laga? I'll just love my character because television industry mein it's very rare to find such character jo बोल्ड होते हैं, दबंग होते हैं, तो आई जस्ट लव माय कैरेक्टर, शी इज़ फियरलेस. एक्चुअली माय फ्रेंड इज़ देयर इन बिग बॉस, अंकित गुप्ता, एंड आई विश लक टू हिम. और मेरी मम्मी तो इतना मैं अपडेट नहीं लेती, बट इतना मुझे पता कि वेन एवर आई कॉल शी इज़ लाइक आई एम वॉचिंग बिग बॉस राइट नाउ, लाइक ओके. बहुत ही काम और शांत है वो हमेशा से, और हमने काफ़ी बार मॉक टेस्ट किया है साथ में, थ्रू ऑडिशंस पे ही मिले हैं. आई विश गुड लक टू. आई लाइक इट आई लाइक देयर जोड़ी. आप बिग बॉस में जाना चाहेंगे? वर्ल्ड कप अगर एंट्री हो तो जाना चाहेंगे? आई सीरियसली डोंट नो. आपके लुक बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या तैयारी की आपने लुक के बारे में? मेकअप किया, अच्छे से तैयारी की, अच्छे से रेडी होकर आई. फाइनली मुझे मैडम सर के वर्दी से कुछ डिफरेंट करने को मिला. तो नहीं नहीं, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ, और स्पेशली ये खुशी मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि इस बार मुझे एज अ बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर मुझे नॉमिनेट किया. तो मेरी पहली फिल्म माय बर्थडे सॉन्ग रिलीज़ हुई थी, जिसमें संजय सूरी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो मेरे साथ थे. एंड डायरेक्शन के लिए मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड यार, मतलब जितने भी अवार्ड अभी तक जीते हैं, दिस विल बी द मोस्ट स्पेशल बिकॉज माई फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर. सो यार आपस में फिल्म लोगों का, टेलीविजन लोगों का मिलना जुलना चलता रहता है, मगर ऐसे पॉलिटिकल हस्तियों से मिलना पहली बार, मैं बहुत उत्सुक हूँ, वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड उनका विशेस लेने के लिए. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. सर अभी नया डायरेक्शन करना, फर्स्ट टाइम आपने किया और बहुत लोगों ने पसंद किया, क्या कहना चाहोगे? यार मेरा सिंगल मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस एज अ डायरेक्टर, बिकॉज एज एन एक्टर आप एक मोर और लेस कठपुतली होते हैं, यू आर जो पपेट, जो डायरेक्टर कहता है वैसा करना होता है, जो राइटर बोलता है वैसा बोलना होता है. बट ये फिल्म मैंने, माई बर्थडे सॉन्ग मैंने लिखी भी थी और डायरेक्ट भी की थी, एंड आई थिंक ये इंडिया की फर्स्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी. सो इट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग, फॉर वंस यू आर इन कंट्रोल, नॉट द डायरेक्टर, अदरवाइज द डायरेक्टर इज द बॉस ऑलवेज. पंकज कपूर हैं, सौरभ शुक्ला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जब खुली किताब, तो अपलॉज ने उसको प्रोड्यूस किया है, अपार्जित खन्ना खुराना वो भी हैं, खुराना वो भी हैं साथ में. तो बहुत अच्छी कास्ट है, एक बहुत प्यारी फिल्म है, मेरा पहला मौका है कि मैं पंकज जी और डिम्पल जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड. बहुत, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी ऑनर्ड टू बी हियर. हर एक्टर की तमन्ना होती है, विश होती है कि वो कुछ ऐसा अचीव करे, इसीलिए मैं जयपुर से यहाँ आई थी कुछ अचीव करने, और आई थिंक आज वो दिन आ गया जिसका मैंने हमेशा ड्रीम देखा है. एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई कैन नॉट वेट टू गो इनसाइड एंड गेट दैट अवार्ड इन माय हैंड. थैंक यू सर. किस कैटेगरी के लिए आपको अवार्ड मिलता है? सपोर्टिंग, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर सपोर्टिंग. मैडम सर? मैडम सर. मैडम सर अभी हर घर के शान जान और इतना प्यार मिल रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं?
मैडम सर एक ऐसा शो है जो बच्चे बड़े सभी एज को पसंद आता है एंड थैंक यू फॉर लविंग मैडम सर शो. मैडम सर इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड वी ऑल नो दीज आर रियली गुड अवार्ड्स एंड आई गॉट अवार्डेड टुडे सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर. मोस्ट ग्लैमरस एक्टर ऑफ द ईयर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने थोड़ा सा इंडियन ड्रेसअप होने की कोशिश की है बट आप सबको पसंद आ रहा है सो थैंक यू सो मच. थैंक्स टू माई स्टाइलिस्ट यशस्वी, शी इज़ हियर एंड या आई थिंक शी डिड अ गुड जॉब सो थैंक यू. Yes, one OTT movie is coming. It's called Kia, so which will be released next year. And besides that, ek do aur projects hain, jo I think jitni jaldi ho sakega hum announcement karenge uske. Thank you. Big Boss dekhte ho ma'am aap? Big Boss follow karte ho? Nahi. टाइम नहीं मिला मुझे बिग बॉस फॉलो करने का बिकॉज आई जस्ट हैड अ लिटिल ट्रेजिकली लिटिल बैड ईयर बिकॉज ऑफ माई एक्सीडेंट एंड ऑल सो मुझे टाइम नहीं मिला बिग बॉस देखने का. थैंक यू. मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मैं अमेरिका में रहती हूँ, यहाँ नहीं रहती हूँ. मैंने वहाँ से सोशल वर्क किया था कोविड के टाइम पर और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है. सो रियली थैंकफुल. मुझे सोशल वर्क के लिए मिला है क्योंकि कोविड के टाइम पे मैं अमेरिका में थी एंड कनाडा में थी. मैंने वहाँ से सोशल वर्क लोगों की हेल्प की थी यहाँ पर सो उसके लिए मुझे अवार्ड दे रहे हैं. पहले तो अवार्ड मिलना सबसे खुशी की बात होती है तो इसका तो आनंद कोई बता नहीं सकता. दूसरी बात, मैंने एक फिल्म की है भाभी माँ और उसके लिए मेरा ये अवार्ड है. और भी कई फिल्में मैंने की हैं, कई गाने गाए हुए हैं उस पर वर्कआउट किया है तो जो इनको पसंद है वो किया है. देखिए मैंने अभी इस समय पूरे ध्यान से फ्लैश आउट है तो अभी रहने दीजिए. एज ए एक्टर के लिए अभी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं एसटीएफ, मेरी एक फिल्म है एसटीएफ है और दूसरी मेरी फिल्म है वचन. दो फिल्में आने वाली हैं, जल्दी देखने और सुनने को मिलेंगी आपको. मत गवाइए. अभी ये अवार्ड किया है और बस आपको पता है 50 ईयर्स हो गया, 60 फिल्म बना लिए हम लोग, प्रोड्यूस भी किए, डायरेक्ट किए और उसमें लॉट ऑफ फिल्म है. प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, 5 पिक्चर रजनीकांत जी के साथ किए हम लोग, 1 पिक्चर शाहरुख खान, सलमान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या जी, दुनिया भर की, आज का अर्जुन, लाल बादशाह, फूल बने अंगारे और अभी पिक्चर तेरी मेहरबानी पार्ट 2 रिलीज है, सिग्नेचर रिलीज है, इसमें अनुपम खेर जी, अनु कपूर वगैरह है. तो आप सबका ब्लेसिंग और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुझे बुलाया उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. सर तेरी मेहरबानी के बाद कैसा ये प्रोजेक्ट होगा, क्या कहानी होगी? तेरी मेहरबानी आप देखिए, वो पहले जैकी शराब और कुत्ते भी पिक्चर थी, 50 हफ्ते चली थी. अभी वो दो कुत्ते और तेरी मेहरबानी पार्ट 2 है एंड सिग्नेचर इज वेरी गुड फिल्म. अनुपम खेर, अनु कपूर, मनोज जोशी, महिमा चौधरी, रणबीर, सॉरी, तमाम लोग हैं और 2-3 पिक्चरें और बन रही पिक्चरें. तो अब 60 फिल्म हो गई है और 50 ईयर का सफ़र है. तो आप सबका ब्लेसिंग, आशीर्वाद चाहिए. सर ओटीटी का चलन है तो वेब सीरीज में अगर बनाने का सोच रहे हैं? नहीं, वेब सीरीज तो मेरा आते ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं है. फिल्मों में समझ है और फिल्में बना रहे हैं, 2 रिलीज है, 2-3 और शुरू हो रही है. सो थैंक यू वेरी मच. लॉट ऑफ इंकरेजमेंट बिकॉज एवरीबडी नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड और बहुत इंक्रेजमेंट मिलता है. थैंक यू कल्याण जी जो मुझे ये डेब्यू अवार्ड दिया आपने. मैं चाहता हूँ थैंक यू सो मच. जो भी मेरे पीछे पड़ रहा है पीछे पड़ने दो भाई, मैं तो अपना काम करेगा. जितना पीछे पड़ना है उतना पीछे पड़ो. पीछे पड़ने वाले पीछे रहता है और काम करने वाले आगे रहता है. तो दोस्त आज जो हमने मेरे चारों तरफ जो मेरे साथ लोग खड़ा दिया, मुझे साथ में खड़ा किया, मेरे पीआर टीम, मैं धन्यवाद करता हूँ. डीपीआर की टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ. मैं अंकिता को, भैरू को, मेरे साथ में तमाम जो लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ. साथ में मीडिया कर्मी, हमारे बॉलीवुड अड्डा,
जो आज सुबह से लेकर शाम तक सभी को रुका के रखा, मैं उनको नमन करता हूँ, धर्मेंद्र पाजी को। बेसिकली जो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो हम करते हैं साल में 24 को, ये होटल में होता है, हर जगह पे होता है, लेकिन इस बार फिल्म का अवार्ड फिल्म सिटी में हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमारे सर हमारे साथ में खड़े हैं, शेख कलीम साहब, डॉक्टर अजय साई साहब, और मैं आपको बोल दूँ यहाँ पर मैं पिछले तीन दिन से मैं नहाया नहीं था, ये सच बात है, मैं शो के दिन में नहाया हूँ। तीन दिन से मुझे फ़ोन कर रहा है अंकिता वाइफ मेरे, भाई तुम कहाँ हो, सुबह उठता हूँ नहाने का होता है तो वापस सब फोन है तो मैं भाग जाता हूँ, ऐसे ही पानी मार के मुँह पे ऐसे ही करके जो भाग रहा था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे चार दिन पहले सब स्पॉन्सर ने हाथ उठा लिया, चार स्पॉन्सर ट्रॉफी देने वाला हाथ उठा लिया, लाइट साउंड डीजे देने वाला हाथ उठा लिया, खाना देने वाला जो स्पॉन्सर था वो हाथ उठा लिया। मैंने बोला भाई वो तो हाथ नहीं उठाएगा, वो मेरे साथ है, तुम लोग कितना भी हाथ उठा लो, शो तो मैं करेगा 24 को करेगा। बहुत अंकिता को बहुत बड़ा सदमा लग गया था, भाई शो कैसे होगा, तो भाई शो हुआ, मॉर्निंग में मुंबई पुलिस का शो हुआ, जिसमें 56 मुंबई पुलिस का हमने सम्मान किया। इसके अलावा सीएम साहब आए थे हमारे प्रोग्राम के लिए आए थे, लेकिन कुछ कारण से दिल्ली से फ़ोन आया वो चला गया, मैं नमन करता हूँ सीएम साहब को, मैं नमन करता हूँ तमाम मेरे सपोर्टर को, मैं नमन करता हूँ मेरे मंडप वाले को, डीजे वाले को, लाइट वाले को, साउंड वाले को, कैमरामैन को, फोटोग्राफर को, स्टेज जिसने बनाया उनको, डांसर जो डांस मास्टर थे हमारे जो डांस किया देवा उनको, मतलब तमाम लोगों को, सभी ने मेहनत किया, सभी ने अपना 100% दिया। मेरी पीआर टीम को मैं सिमरन की पूरी पीआर टीम को मैं नमन करता हूँ, सिमरन के जो पीआर टीम है बहुत पिछले एक महीना से लगा था क्या होगा, लेकिन उन लोग ने बहुत मेहनत किया। इसके साथ साथ जितने भी स्टार हमने बुलाया, क्योंकि हमने फिल्म का बुलाया नहीं था, हमारे सब टीवी के स्टार थे, तो सभी टीवी के स्टार आए, मैं सभी का नमन करता हूँ सर झुका के। इतने बोलना चाहता हूँ 24 दिसंबर को मेरा शो है दिल्ली में, 24-25 फेब 2023 को मेरा शो है मेरा दुबई में, अभी आने वाले दो शो है, आप सभी के आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए। थैंक यू दोनों एंकर डॉक्टर वैभव जी और हमारे दूसरे एंकर मेरे तापसी जी, उन दोनों के मैं नमन करता हूँ, पूरा टाइम तक उन लोगों ने एंकरिंग किया, साथ में जो मुझे डिजाइन किया हमारे चार्ली जी, महेश जी, जो रात रात भर जाग कर मेरा डिजाइन किया पूरी शो को, चार्ली ने, महेश ने, और सभी का मैं नमन करता हूँ जो कोटा से आए, राजस्थान से आए, दुबई से आए, छत्तीसगढ़ से आए, छत्तीसगढ़ के हमारे डॉक्टर साहब है, छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट हमारे साथ में यहाँ पर है, आसाम के प्रेसिडेंट आए, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट आए, दुबई का प्रेसिडेंट आए, और सब जगह से लोग आए, अच्छा लगा, सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कुछ गलती तो मुझे माफ़ कर देना।